हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिला में मैं हूं आपका दोस्त हिंडोस टेक्निकल शशांक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू यूज जियो ग्रुप टॉक ऐप। तो भाई, जियो ग्रुप टॉक जो है ऐप नाम से आ चुका है और इसके अंदर में आप जो है एक साथ में 10 लोगों से जो है ग्रुप टॉक कर सकते हैं, ग्रुप में बात कर सकते हैं सिर्फ इस ऐप का यूज करके। तो कैसे इसको यूज करना है, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले हम चले आते हैं ग्रुप जियो ग्रुप टॉक ऐप में और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपसे आपका नाम पूछेगा। इसमें डाल दीजिए आप अपना नाम। नाम डालने के बाद में यहाँ पे डाल दीजिए जियो फोन का नंबर, जो भी जियो फोन का नंबर है उसको यहाँ पे डाल दीजिए। और दोस्तों यहाँ पे अपना जो है जियो नंबर डाल दीजिए। डालने के बाद में यहाँ ऊपर फोटो का एक आइकन बना है जहाँ पे आपकी फोटो पहले नहीं होगी, तो इस पर क्लिक करने के बाद में आप टेक अ न्यू फोटो या सिलेक्ट फ्रॉम गैलरी से जाके फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सिलेक्ट फ्रॉम गैलरी चले आइए और जाने के बाद में यहाँ से अपनी एक फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी फोटो आप इसमें डालना चाहते हैं। और सपोज हम यहाँ पे ये फोटो डालना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और करने के बाद में डन पे क्लिक कर दीजिए। डन पे क्लिक करने के बाद आपकी फोटो वहाँ सेट हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट पे यहाँ पे जो आइकन बना है इस पर क्लिक कर दीजिए। करने के बाद में और दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे अपना नंबर डालने के बाद में आप वहाँ पे सेंड करेंगे तो OTP आपके इसमें आएगा जो वेरीफाई करेगा आपके मोबाइल नंबर को, जियो मोबाइल नंबर को। और होने के बाद में आप इस तरह से आपकी जो है स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसके अंदर में दोस्तों सबसे पहले आपको जो रिसेंट दिखेगा वो दिखेगा न्यू कॉन्फ्रेंस कॉल और इसके अलावा शेड्यूल कॉन्फ्रेंस। तो न्यू कॉन्फ्रेंस कॉल में जो है जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट खुल जाएगी और आप कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ले सकते हैं। आप देख सकते हैं आपकी खुद की कॉन्टेक्ट लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसमें से आपको जिसको भी ढूंढना है उसको ढूंढ लीजिए और उसके बाद में उसको वहाँ पे उसका नंबर टिक कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद में दूसरे नाम को ढूंढिए जिसको आपको लेना है कॉन्फ्रेंस में, और उसके जो लेने के बाद में सर्च करने के बाद में उसके भी राइट में टिक कर दीजिए। तो वो लोग यहाँ पे जुड़ते जाएंगे जिस जिसको आप लेते जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स आप जो है 10 लोगों को ले सकते हैं, टोटल 10 लोगों को एक साथ ग्रुप कॉल कर सकते हैं। जब आपकी ये कंप्लीट हो जाती है चेकलिस्ट, मतलब जितने लोगों को आपको कॉन्फ्रेंस में लेना है उन सबको आपने टिक कर दिया है, तो बस आपको यहाँ पे नीचे जो कॉल का बटन बना हुआ है हरे कलर का, इस पर आपको क्लिक कर देना है और सीधे कॉल लग जाएगा उन सभी को एक साथ में जिसको आप कॉल करना चाहते हैं। तो जैसे हम इधर पे करते हैं तो कॉन्फ्रेंस में ही देखेंगे आप बहुत सारे लोगों को कॉल लग चुका है। और क्योंकि अभी मुझे कॉल नहीं करना है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और हो सकता है अभी स्टार्टिंग में आपको कॉल ना भी लगे क्योंकि जस्ट नाउ अभी इस ऐप पे वर्क चल रहा है। इसके बाद में सेकंड जो ऑप्शन है वो एक ग्रुप का, तो आप यहाँ पे खुद के ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप कॉलेज का ग्रुप बनाना चाहते हैं, फैमिली का ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो वो ग्रुप आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर क्रिएट न्यू ग्रुप का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। करने के बाद में यहाँ से अपने जो लोगों को भी जोड़ना चाहते हैं उनको यहाँ से जोड़ लीजिए कि भाई ये हमारे फैमिली मेम्बर हैं या ये हमारे कॉलेज मेम्बर हैं। अगर फैमिली का बनाते हैं तो फैमिली का बना लीजिए और यहाँ पे आने के बाद में फैमिली डाल दीजिए। अगर फ्रेंड्स का बना रहे हैं तो फ्रेंड्स डाल दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे कॉलेज फ्रेंड का डाल देता हूँ, कॉलेज फ्रेंड्स के नाम से डाल दीजिए। और यहाँ पे फोटो डालना चाहते हैं अगर कॉलेज फ्रेंड्स के ग्रुप की आइकन, तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे राइट टिक पे कर दीजिए क्लिक और आपका जो एक और ग्रुप है वो क्रिएट हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधे जो 5-6 लोगों का ग्रुप बना हुआ है सीधे आप यहाँ पे हरे बटन पे जो कॉल का बटन है इस पर क्लिक करेंगे और सीधे आपका कॉल जो है लग जाएगा उन सभी 5-5 लोगों को जो इसको आप कॉन्फ्रेंस में लेना चाहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है एक प्रकार से, जब आप बहुत सारे ग्रुप में जितने लोग हैं उनको इकट्ठा यहाँ पे जोड़ के उनको ग्रुप कॉल कर पाओगे। ये मतलब नया जो है ऐप निकाला गया है, इसीलिए निकाला गया है। और फैमिली वालों को अगर आप फिर अलग से कॉन्फ्रेंस लेना चाहते हैं या ग्रुप वालों को अलग से कॉन्फ्रेंस लेना चाहते हैं या कोई मीटिंग रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे बड़ी आसानी से सीधे ग्रुप कॉल आप लगा सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल लगा सकते हैं। इसके बाद में नीचे थर्ड ऑप्शन दिया गया है ऊपर कॉन्टैक्ट का, जहाँ पे आपके खुद के कॉन्टैक्ट पूरे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, जितने भी कॉन्टैक्ट आपके हों यहाँ पे हैं उनको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और ऐड पार्टिसिपेंट पे क्लिक करके ऐड भी कर सकते हैं। जैसे ऐड पार्टिसिपेंट का यहाँ ऑप्शन आता है, यहाँ पे डालने के बाद में आप उसके कॉन्टैक्ट डिटेल डाल के उस जगह पे कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं अगर वो ऑलरेडी आपको यहाँ पे देखने को ना मिले। तो इस तरह से इस ऐप को यूज़ कर